17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाली है और आज के इस वीडियो में गणित के ऐसे वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आज का वीडियो काफी लाजवाब होगा, धमाल मचाने वाला होगा, एक एक बातों को ध्यान देना होगा आपको और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कंजूसी नहीं, फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी। आपको बताना चाहेंगे इस साल आपके परीक्षा में 138 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से मात्र आपको 8 ही प्रश्न का जवाब देना है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 5 + 3√2 क्या है बाबू, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि यह एक आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बताया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है यानी कि जो जोड़ होता है वह क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, और इसी प्रकार से आपकी एग्जाम में प्रश्न बाबू देखने को मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है, तो देखिए हमने अभाज्य संख्या के बारे में आपको क्या बताया है कि जो संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं निकले यानी कि 2 से ज्यादा संख्या से विभाज्य ना हो आपका वह अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि यहाँ पे 71 जो दिया गया है, 71 का अगर हम लोग यहाँ पे गुणनखंड निकालते हैं तो 1 = 71 होगा, यानी कि 1 और 71 के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, ध्यान से समझते हैं बाबू, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जो है आपको होना चाहिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, जल्दी से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं है कहने का मतलब क्या है कि वह परिमेय होना चाहिए, तो परिमेय देखिए यहां से कौन है, परिमेय खाने का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग P/Q ग्रुप में लिख सके, यानी कि जिसे हम रूट से अंडर रूट से बाहर आसानी से कर सके, तो 7 को बाहर नहीं कर सकते हैं, 13 को भी रूट से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन 25 को तो बाहर कर सकते हैं, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5√5, तो 5√5 तो दो रूट में से दो संख्या में से एक संख्या बाहर हो जाती है यानी कि बच जाएगा 5, और 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं यानी कि P/Q ग्रुप में लिख सकते हैं, यानी कि यह आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि यह अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि परिमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल बाबू समझ में आएगा ही और आपको धमाल मचाना ही 17 फरवरी के दिन आपको एकदम गर्दा मचा देनी है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ओह क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, शांत कब होता है बाबू, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जिस भी भिन्न के या जिस परिमेय संख्या का हर का गुणखंड में केवल 2 आए और 5 आए, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आए, वही आपका शांत होता है, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा। तो यहां पे देखिए तो ऑप्शन नंबर किसमें किसका गुणनखंड करेंगे, हर का जिसमें केवल 2 और 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 11/160। 160 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो केवल हम लोग का 2 और 5 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा इसको भी हम कोशिश करते हैं बच्चों को बता दें, ताकि अगर अंक भी बदल करके ऑप्शन में आता है आपके एग्जाम में तो आप लोग फटाफट से गर्दा बचा दें। तो देख सकते हैं इसे हम लोग तोड़ते हैं यानी कि इसे गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 2 से तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि केवल यहाँ पे 2 निकला और 5 निकल, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आया तो क्या होगा, ये आपका शांत संख्या हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की, एकदम गर्दा मचाना है बाबू। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, वो हो कितनी बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे, देखते हैं कौन बच्चे फटाफट बताते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए भी, इससे आपका अभ्यास आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। प्रश्न कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है बाबू, आपको ये बताना है 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार सम संख्या कौन सकती है, 2 4 हो सकती है, 4 6 हो सकती है, ठीक है 6 8 हो सकती है, यही ना आपका सम संख्या है, और ये लगातार है क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, ये सम संख्या में आएगा, ऐसा मत कहिए कि 2 के बाद 3 आता है, नहीं 3 तब आता है तब वो विषम तो हो जाएगा ना, लेकिन वो सम की बात की जा रही है। तो 2 और 4 का मसा निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 4 और 6 का मसा निकालेंगे यानी कि HCF निकालेंगे 2 होगा, 6 और 8 का निकालेंगे तो 2 होगा, यानी कि हमेशा या 2 निकलेगा यार, तो 2 पे टिक कर दो ना फटाफट से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गर्दा मचाने वाला ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की, बिल्कुल बाबू अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और इसको बनाना तक काफी इजी है यार, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू के शून्य का अगर 1/ अल्फा प्लस 1/ बीटा हो तो मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, आइए जबरदस्त क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से बनाते हैं। लेकिन फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि ये आपका शून्यको का योग और शून्यको का गुणनफल निकाल लेना है। तो शून्यको का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 1, बटे ए, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे, यार ये बात वही आ गया, माइनस 1 में 1 से भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो माइनस एक हमने रहने देते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटे ए, सी बटे ए होता है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है 1, तो बात फिर वही आ गया यार, क्योंकि अब दोनों में जो है आप एक से भाग दीजिए तो फिर संख्या तो वही आएगी ना, तो यहाँ पे हमने इसे रख देते हैं। अब हम लोग को बताना क्या चीज है, तो बताना है 1/ अल्फा प्लस 1/ बीटा का वैल्यू। इसे आप क्या कीजिए, फल से सबसे पहले इसका आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, आइए बनाते हैं। तो अल्फा और बीटा का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो बचेगा अल्फा बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा बचेगा ऊपर बीटा, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा क्या चीज अल्फा। अब देखिए अल्फा बीटा कहिए चाहे बीटा अल्फा कहिए, बात तो एक ही है ना, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 2 है, माइनस का 2 ये लिख दिए। अब माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, बच गया क्या चीज 1/2, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा यार। तो 1/2 कहां पे दिया गया यार, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल बाबू सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से मचाना है आपको धमाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन प्लस बी है तो इसका पदांतर क्या होगा, यानी कि इसका सार्वंतर क्या होगा, पदांतर कहे तो या सार्वंतर कहे तो बात एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए एन प्लस बी दिया गया है तो इसका पदांतर ए ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर कैसे होगा, इसको भी थोड़ा बता देते तो बड़ा मेहरबानी हो जाती, हम भी कहते हैं क्यों नहीं बता देंगे यार, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, इसके लिए आप समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे n का वैल्यू रखिए, आप क्या कीजिए n बराबर 1 लिखिए, फिर n बराबर 2 लिखिए, डॉट डॉट आप रख सकते हैं, अनगिनत रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, ए एन प्लस बी में सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं, जब n बराबर 1 रखेंगे तो a गुणे 1 प्लस बी होगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, ओके, ये हो गया आपका 1 मान सकते हैं समीकरण, या आपका यह प्रथम आपका यह पद हो गया आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, ओके, तो n बराबर हम रख देते हैं 2। अब देखिए तो a गुने अब n के जगह हो जाएगा 2 प्लस बी, ये हो गया आपका क्या चीज 2a प्लस हो गया आप बी। चलिए हो गया आपका दूसरा। अब हम सभी जानते हैं कि जब भी पदांतर निकालना होता है, यानी कि d का वैल्यू निकालना होता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद क्या है 2a प्लस बी है, और इसमें से घटा किसको देना है, पहले पद को, यानी कि a प्लस बी को आप घटाइए, तो 2a प्लस बी को 2a प्लस बी लिख देते हैं माइनस, और इसको आप ब्रैकेट वाले को से आप माइनस को आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस प्लस क्या होता माइनस होता है, यानी कि माइनस ए हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, यानी कि फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस बी से माइनस बी कट गया, और दो गोये में से ये गोये गायब हो जाएगा, कब बचेगा केवल ए बचेगा ना, बिल्कुल ये भी आपका राइट जवाब आ गया, इसी तरीके से भी आ गया, या फिर अगर ऐसा होगा तो जो भी यहाँ पे ए का वैल्यू होगा यानी ए का मान होगा तो ही आपका आंसर हो जाता। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया, यहाँ भी सॉल्व करके हमने आपको बता दिया, तो मजा आ रहा ना, बिल्कुल ये मजा आता है। तो लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो, फटाफट से कर लीजिए, और हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। क्या ऐप का नाम है बाबू, तो DLS Education, EDUCITION, और मंटू सर आप सभी जानते ही हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, DLS Education ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, ठीक है। जो चैनल का नाम है ना DLS Education, उसमें आप ऑफिशियल जोड़ लीजिएगा, तो DLS Education ऑफिशियल आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, ऐप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस सुविधा के लिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कीजिएगा DLS Education ऑफिशियल, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, और वहां से गर्दा मचाने वाला तैयारी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि बिंदु पी बराबर दिया गया है 6, -5 का भुज क्या होगा। अरे यार हमने तो आपको इतना अच्छे तरीके से बता दिया है कि एकदम मतलब जो कुछ नहीं पढ़े थे ना बच्चे उसका वो भी इसका उत्तर बता देंगे, कहेंगे क्या चीज कि सर आप ही ने बताया है कि जो सबसे पहला वाला मान दिया हुआ रहता है ना वही भुज होता है, यानी कि सबसे पहले कौन दिया है तो 6 दिया है, 6 कहां है जी, ऑप्शन नंबर मार दो एक पेटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बाबू, कोटी होता है, यानी कि अगर पूछता कि इसमें कोटी कौन है तो -5 है,
लेकिन पूछा क्या है भुज, तो भुज क्या है छे पे हमने ठीक कर दिया, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ठीक नहीं करना है, आपको गोला लगाना है, ठीक है, रंगना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न के बिंदु 2.3 स्थित है। बाबू जाइएगा ना परीक्षा में तो मजा आएगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बता रहा है ना एकदम मजा आ जाएगा यार, वहीं पे इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कसम कह रहा है कि बिंदु 2.3 स्थित है, कहां स्थित है बाबू ये बताना। देखिए ये आपका कार्तीय तल हो गया, हमने आपको क्या बताया था बाबू कि देखिए ये प्रथम होता है, ये द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय पाद या चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ पाद या चतुर्थांश होता है। पहले पाद चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है, तब बताया था पहले प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, दोनों संख्याएं प्लस में है, इसका मतलब हो गया कि प्रथम पाद में होगा, तो प्रथम पाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल यार कहानी समझ में आएगा यार। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए बात करें, बिल्कुल बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि यदि x बराबर a और y बराबर b, समीकरण x माइनस y बराबर 2 है और x प्लस y बराबर 4 है के हल हो तो a और b का मान क्या होगा। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको गर्दा मचानी है। क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे कि x बराबर a और y बराबर b, तो a और b का वैल्यू बताना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद दिया है x प्लस वाई बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, x x कितना होता है बाबू, 2x होता है, और ऊपर y है माइनस में और नीचे y है प्लस में, क्या हो जाएगा, कट के हो जाएगा खत्म, ठीक है। बराबर 2 × 4 = 6, बिल्कुल 6। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कि हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू आ गया कितना बाबू, 3, यानी x बराबर हो गया 3, यानी x बराबर 3 बराबर a, ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब कितना, 3, क्योंकि x का जो मान होगा वही आपका a का मान होगा, क्योंकि ऊपर ही कह रहा है कि x बराबर a है, इसका मतलब x बराबर 3 तो a बराबर भी 3। चलिए जब a बराबर 3 आ गया या x बराबर 3 आ गया, तो समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दीजिए तो y का निकल जाएगा, यानी कि b का वैल्यू निकल जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है समीकरण नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 3 निकला था, माइनस वाई बराबर हो गया 2। अब माइनस वाई बराबर इसको पक्षांतरित करेंगे तो 2 माइनस 3, माइनस वाई बराबर क्या होगा, 2 प्लस में है और माइनस 3 माइनस में, यानी माइनस 1 बचेगा, यानी कि अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाई में क्या है आपका माइनस है और इधर भी माइनस है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपका b बराबर क्या हो गया, 1 आ गया, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर हम लोग का आया क्या चीज बाबू, आया 1, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 1। तो 3.1 कहां है, ऑप्शन नंबर c में है, ऑप्शन नंबर c क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर c, बिल्कुल। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल यार कहानी समझ में आएगा बाबू। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी गर्दा मचाने वाला बाबू प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब प्रकृति याद करने के लिए सबसे पहले आपको d का वैल्यू निकालना होता है, यानी कि विभिद का निकालना होता है या विवेचक निकालना होता है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a, a का वैल्यू कितना है 1, 1 गुणे फिर c, c का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए 4 माइनस 4 अचार चौक का 16, ठीक है, 16 हो गया, यानी कि d का वैल्यू हम लोग का आमतौर पे यहाँ पे निकलेगा क्या, तो 4 प्लस में है और 16 माइनस में है, निकलेगा कितना, माइनस का 12, यानी का मतलब हो गया d का जो वैल्यू है वो किससे, 0 से कम आ गया, यानी कि यह माइनस में आ गया। तो जब 0 से कम आ जाएगा तो यह अवास्तविक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4.-1 और 2.3 के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे दूरी आपको बताना है, तो दूरी बताने के लिए क्या करना होता है आपको, बिल्कुल दूरी सूत्र का प्रयोग करना होता है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है, यानी कि ये 2, 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से -4 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से क्या करेंगे, y2-y1, तो 3 में से घटाएंगे हम लोग कितना, -1 को, तो ये तो -1 है पहले से, तो -1 सब प्लस हो जाएगा, यानी कि अब 3+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इक्वल टू 2 में से घटेगा, यानी कि 2 प्लस में है 4 माइनस में, कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना, 4, प्लस 3 है कितना है 4, 4 चौका फिर 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, यानी कि 20, 20 का आप वर्ग से बाहर, ये रूट से बाहर कीजिए कितना
2√5, यानी कि 2√5 कहां पे ऑप्शन है, 2√5 ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पे दबाओ ना फटाफट से, जब तक आप चैनल का सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं, कंजूसी नहीं बाबू, कंजूसी नहीं, और लाइक तो करना ही करना है बाबू, फटाफट से कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0,2 की दूरी क्या होगी। अब ये देखिए थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में ही पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकाल लीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, यानी कि 4 + 2 / 2 + 10 + 2 / 2, ठीक है, यानी कि 4 × 2 = 6, 6 / 2 कितना आएगा 3, और 10 × 2 = 12, 12 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, यानी कि 3,6, यानी कि अब आ गया 3,6 और 0,2। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि कह रहा था रेखाखंड के मध्य बिंदु से आपको 0,2 की दूरी निकालना है, ठीक है, तो 3,6 निकला। अब देखिए जब 3,6 निकल गया, इसके बीच की दूरी निकाली, यानी कि अब निकालेंगे x2 - x1² + y2 - y1² तो यहाँ पे 0 में से घटाएंगे -3, तो यहाँ पे केवल बचेगा -3² प्लस यहाँ 2 में से घटाएंगे 6 को, तो कितना बचेगा -4, यही ना बचेगा बिल्कुल इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कीजिए 3² का कितना होगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना होगा 16 ना होता है 25, 25 का वर्गमूल कीजिएगा, यानी कि वर्ग रूट से बाहर कीजिए, कितना होगा 5, यानी कि ऑप्शन आंसर आ जाएगा कितना 5, कहाँ है 5, 5 इकाई इसका आंसर होगा राइट जवाब, ठीक है। सबसे पहले मध्य बिंदु के नियामक निकाल लीजिए, उसके बाद से x2 - x1 और y2 - y1 से निकाल लीजिए, बिल्कुल निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक अगर 2,4, 0,6, 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का क्या, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होगे। तो यार काफी इजी है, फटाफट से आप निकाल दीजिएगा, निकालने के लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको करना है x1 + x2 + x3 / 3 और y1 + y2 + y3 / 3, यानी कि इन सब में का पहला पहला जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, तो 2 + 0 + 4 / 3, फिर 4 + 6 + -1 / 3 भाग दीजिए, तो देखिए 2 और 4 = 6, 6 / 3 भाग देंगे 3 से, कितना होगा 2, और 4 + 2 = 6, 6 में से -1 घट गया, कितना बच गया, यहाँ पे देखिए नहीं 6 + 4 = 10 होता ना बाबू, बिल्कुल 10, अब में से घटिया 9 बटे कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 3 × 3, यानी कि 2,3, तो 2,3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, बिल्कुल यार धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, 17 फरवरी के तक गर्दा मचना ही चाहिए बाबू मैथ में, ठीक है गणित में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बनेगा यार, क्योंकि आपको समझा देते हैं थोड़ी सी प्रोसेस इसका बड़ा ही लंबा है, और जब आप लोग इसे बनेगा ना तो समझिएगा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आपका हो जाएगा और आप लोग एकदम गर्दा मचेगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 और 0,0 और ए बी संरेख है तो फिर इसको आपको निकाल दीजिए, तो फिर बराबर क्या होता है, तो जब ये संरेख होती है, संरेख संरेख कब होता है, जब बराबर 0 होता है, यानी कि त्रिभुज के जो निर्देश जो त्रिभुज के ये फॉर्मूला होता है ए ये बी ये सी हो गया, इसका निर्देशांक दिया 1,2, यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे दिया 1,b, ठीक है। अब इसका सूत्र से निकालिए, जब निकालिएगा तो ए बराबर 2b होता है, या फिर एक देखिए ध्यान से आपको बता दें कि अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो इसको नहीं बदला जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप इस पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, ए बराबर 2b हो जाएगा, बस आपका राइट आंसर, ये समझिए बस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है और इसे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या है, समान है यानी कि बराबर है, यह कथन किसका है बाबू, यह कथन किसका है, बिल्कुल यार यह कथन जो है आप सभी जानते हैं कि थेल्स का है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, सदैव समान है, हमेशा बराबर है, तो क्या होगी कथन, तो आप ये कथन किसने कहा था, थेल्स ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फटाफट से, ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा की वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोणों का मान क्या होता है, यानी आम भाषा में कहें तो AB² + BC² = AC² अगर होता है तो फिर कोण का मान कितना होता है,
पूर्णवी का वैल्यू कितना होता है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल यार 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहां 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर यार सी में है, तो सी नंबर करेंगे हम लोग फटाफट से टिक, और इसका होगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की, तो बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर और ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 54 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको यह बताना है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसको समझना काफी लाजवाब है ना, बिल्कुल लाजवाब है। आप देख सकते हैं ये आपका दो त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज भी आपको हम बना देते हैं, छोटा छोटा त्रिभुज बना देते हैं बिल्कुल यार, जिससे कि आपको बेहतरीन समझ में आए और आप एग्जाम में गलती न कर पाए। ये हो गया आपका एबीसी, ये होगा डी ई और आपका हो गया एफ। बिल्कुल कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, और बीसी बराबर 3 है, बीसी बराबर 3 है, ईएफ बराबर 4 है, यानी कि ये 4 है। तो और एरिया त्रिभुज एबीसी, यानी कि त्रिभुज एबीसी जो है इसका क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम सभी जानते हैं अगर इस प्रकार से त्रिभुज समरूप होती है तो बीसी स्क्वायर का अनुपात ईएफ स्क्वायर बराबर होता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। ओके, अब देखिए यहां पे बीसी स्क्वायर, बीसी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, बिल्कुल 9 हो जाएगा। ईएफ, ईएफ का स्क्वायर यानी कि ईएफ कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मतलब होता है क्या चीज, क्षेत्रफल, यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 54 है, तो हमने 54 रख दिया। अब कह रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, यानी कि ये तो निकालना ही है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं एक्स फिलहाल के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा को छोटा बदल लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, बाद में हम लोग डीईएफ दर्शा देंगे। अब इसको त्रिज्या को गुणा कीजिए यार, जब आप त्रिज्या गुणा कीजिए क्या होगा 9x बराबर हो जाएगा 54 गुणे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि सर 54 गुणे 16 बटे हो जाएगा 9, तो 9 6 54 और 16 6 96, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका एरिया त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि डीईएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, बिल्कुल कितना आसान है ना। इसी तरीके से सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो आपको गर्दा मचा देनी है, एकदम धमाका मचाना है बाबू, आपके पास एकदम लाजवाब तैयारी है, तो आपको लाजवाब तरीके से आपको एकदम रिजल्ट लाना ही लाना है। मां सरस्वती आपके साथ है, और हमारा आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ, एकदम आप धमाल मचाइएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे से वीडियो पूरा लगातार देख लीजिए, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसी समय में तो आपको गर्दा मचानी है। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के अंदर, अगला क्वेश्चन कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है वृत्त है और वृत्त के अंदर दी हुई, यार जब वृत्त के अंदर हम खींचेंगे स्पर्श रेखा तो खींचाएगा नहीं खींचाएगा, यानी कि क्या होगा वो जीरो होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहां पे जैसे सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर के, तो ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल का, यहाँ पे आपको दिखेगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, ये लोगो भी पहचान लीजिए, इस पे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप कीजिएगा तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, हमें इंस्टॉल इसलिए यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये फटाफट तरीके से इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगा, देख सकते हैं साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश संस्कृत सामाजिक विज्ञान और लेटेस्ट न्यूज, यहाँ से न्यूज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे फटाफट तरीके से ओपन हो जाएगा, तो सोचिए मत, जल्दी से कीजिए, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, और यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं, जल्दी कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में एबी बटा डीई बीसी बटा ईएफ दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी त्रिभुज समरूप दिया है, तब क्या होंगे। यार तो आप याद करके रखिएगा कि जब ये त्रिभुज, यानी कि अभी आपको चित्र बनाए थे ऊपर एबीसी और ये त्रिभुज डी या डीईएफ, जब ये आपस में समरूप होंगे तो कोण बी बराबर कोण क्या होगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी होगा ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये तो सिद्ध करने वाला यार आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये कैसे पूछ दिया यहाँ पे, बिल्कुल पूछ दिया यार, तो हम लोग को डरना थोड़ी, एकदम लड़ना है, अब डरना नहीं लड़ना है, सिक्का उछल चुका है। ये
हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ओके देखिए कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां कोण सी समकोण है तो AB स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, कोण C समकोण है, कहने का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। अब देखिए यहां पे A है और यहां पे B है और यहां पे C है, क्योंकि यहां C कह रहा है 90 डिग्री, तो कह रहा है कि AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि इसका यानी कि A देखिए ये वाला ये आपका AB है, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए कह रहा है कि दोनों बराबर है, ये भी आपका बराबर है आपस में। तो सपोज मानिए कि अगर आपका ये x है तो ये भी आपका x होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। तो अगर ये आपका AC हो गया तो ये भी आपका AC हो जाएगा। तो जब AC हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर, ये हम लोग बहुत पहले जानते हैं, ठीक है, ये पाइथागोरस ने हमें बताया था, बिल्कुल बताया था। तो यहां पे इसका मतलब ये कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पे BC यहां पे मत कहिएगा, क्योंकि देखिए यहां पे हमने B वाले समकोण पे ये बात किया था, ये वाला फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन यहां पे C कर दिया है, इसका मतलब ये AC और यहां पे AC हो जाएगा और AB हो जाएगा, ठीक है, ये बदल चुका है थोड़ी सी चीज, यानी कि जब हम जोड़ेंगे यानी कि AC प्लस AC क्या हो जाएगा, AC AC क्या हो जाएगा, यहां पे AB स्क्वायर यानी हो जाएगा यहां पे 2AC बराबर AB स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2AC बराबर हम लोग का हो जाएगा AB स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है, इसमें हम स्क्वायर छोड़ेंगे, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है, तो के बीच का कोण कितना है 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान क्या होगा। देखिए ये आपका हो गया एक वृत्त, ठीक है, ये गोल नहीं बन रहा है, गोल बना लीजिएगा, ये इस पे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है, और यहां पे केंद्र इसका है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है हम सभी से क्या चीज कि P से एक किसी बाह्य बिंदु P से यानी कि ये P है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है O है, चलिए O लिख देते हैं, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे लिखते जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि P और PB यानी कि A और ये हो गया आपका B, कह रहा है कि कोण जो 80 डिग्री है यानी कि ये 80 डिग्री है, तो कह रहा है कोण POA, P O और A यानी कि यहां का वैल्यू आपको बताना है, बिल्कुल। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, यहां से जब ही मिला देंगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा, इसका मतलब हो गया कि इधर वाला यानी ऊपर वाला 40 हो जाएगा, नीचे वाला 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो गया। अब देखिए अब जब इसको हम मिला दिए तो यह एक त्रिभुज का रूप ले लिया कि नहीं ले लिया, कहिए सर बिल्कुल ले लिया, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री हम सभी तो जानते ही हैं, जब 90 डिग्री हो गया और हम लोग का त्रिभुज बन गया तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि एक कोण यहाँ पे 40 डिग्री है और एक कोण आपका 90 डिग्री है और तीसरा कोण सपोज मान लीजिए x बताना है, सपोज मान लीजिए x, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छा इसको लिख लीजिए कोण POA बराबर यहाँ पे मान लीजिए कितना है 180 डिग्री होता है, ठीक है, चलिए 40 को और 90 को कितना होता है 130 प्लस कोण POA बराबर हो गया 180, तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से 130 घटा दीजिए, यानी कि कोण POA बराबर कितना हो गया 50 डिग्री आंसर। तो 50 डिग्री ध्यान दीजिए कहां पे दिया गया ऑप्शन, तो कहां दिया गया जी, अरे भगो यार, चलिए यहां पे आ गया 50 डिग्री, यहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा यार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1 है, तो AE बराबर 6:6 है, अनुपात बोल रहा है 6.6 है, तो 6.6 सेंटीमीटर है, तो AC बता दीजिए। अब इसको क्या करना, चित्र से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कह रहा है कि ये त्रिभुज आपका हो गया, ठीक है, ये आपका इसको मिटाओ पहले, ठीक है, इसको मिटाकर बढ़िया से बनाते हैं। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज कह रहा है कि ए बी और सी, ध्यान से समझिएगा,
ए बी और सी है। कह रहा है कि इसको एक ऐसी मतलब कि रेखा काटती है बिंदु, मतलब कि एक ऐसी हम लोग डी इस प्रकार है, मतलब ये डी और इस प्रकार है कि ये डी समांतर क्या है बीसी, ठीक है। अब कह रहा है एडी अनुपात डीबी, यानी कि एडी अनुपात यानी कि 3:1 है, ठीक है, और एई यानी कि एई कितना है 6.6 है। तो ये टोटल जो है आपको ए से सी की दूरी बताना है, यानी कि टोटल भुजा की दूरी बताना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या जानते हैं, अगर इस तरीके से रहता है तो एडी बटे बीडी बराबर जानते हैं हम लोग एई बटे हम लोग जानते हैं ईसी। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, अगर हम लोग इसका वैल्यू अगर पता रहता तो हम इसका और इसका जोड़ देते तो टोटल वैल्यू निकल जाता ना, क्योंकि देखिए आर ये क्वेश्चन पहले भी बताए थे, देखिए ये क्वेश्चन अगर मतलब ये रेखा यहां से यहां तक है, अगर हम लोग इसे बराबर भागों में काट देते हैं और कह देते हैं कि इसका वैल्यू हमको पता है 6, लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं है, टोटल का वैल्यू निकालिए, तो पहले जब तक इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा आधा वाला भाग का, तब तक तो टोटल वाला भाग का पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यही क्या करना है हमको, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग को करना है यहां पे इसका ईसी या सीई का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से ये होता है एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं पहले से। तो 3:1 कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1 बराबर एई, एई के बराबर कितना है 6.6 बटा कितना है हो जाएगा यहाँ पे ईसी, निकालना ही है ईसी ये रख देते। अब देखिए यहाँ पे तिरेक गुणा करते हैं, तो तिरेक जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3EC बराबर हो जाएगा 6.6, तो ईसी बराबर कितना हो जाएगा 6.6 में भाग देंगे 3 से, यानी कितना हो जाएगा 2.2 हो गया ना, बिल्कुल ये हो गया आपका 2.2। अब 2.2 और 6.6 तो 2.2 प्लस 6.6 अब तो निकल जाएगा ना, तो 8.8 कितना हो गया 8.8। कहां पे ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, कहां है ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो आएगा सब्जेक्टिव में भी तो आपको गर्दा क्या करना है, मचाना है, बिल्कुल धमाल मचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 8, 10, 12 .. का 10वां पद क्या होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो लिखना है आपको a प्लस लिखना है, और जितना पद पूछेगा उसमें से a को घटा देना है, 10 में से a को घटे कितना होगा 9, 9 में गुणा कर दीजिए d से। अगर 12वां पद पूछता तो a प्लस 11d, 30वां पद पूछता तो a प्लस 29d, 50वां पद पूछता तो a प्लस 49d आपको लिख देना है। a का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहला वाला मान यानी कि ये 8 हो जाएगा a का मान, प्लस a का वैल्यू क्या है, ये 9 है, ये 9 × 9 अब यहाँ पे प्लस 9 और इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या होता है 10 में से घटाएंगे हम लोग 8, तो कितना बचेगा 2। अब देखिए 8 प्लस 9 × 18, अब 18 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे सर 18 और 8 होता है 26, हम भी कहेंगे होता है 26, तो मार दीजिए 26 पे टिक, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। एक एक क्वेश्चन और एक एक बात आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्वेश्चन, यार अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से करिए यार, इतनी कमाल धमाल तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल अगर 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, और k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक मूल का मतलब है कि x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो आप x का जगह 2 रखते चले जाइए, x का जगह यहां पे 2 रखेंगे तो जगह 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 2k, यहां पे x का रखेंगे यानी 2 प्लस हो जाएगा 4 = 0, 4 आप प्लस क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, ये भी हो जाएगा ना 4k हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 4 और 4 कितना होता है 8, 8 प्लस 4k, ठीक है, यहां पे 4k होगा, ठीक है, 4k बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 4k बराबर हो जाएगा माइनस का 8, तो k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 कहां पे ऑप्शन है, तो कहेंगे सर माइनस का 2 आपका ऑप्शन है बी नंबर में, तो बिल्कुल हम भी कहेंगे बी नंबर में, आंसर आप टिक कर दीजिए फटाफट तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 .. का कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा। अब देखिए यहां पे an बराबर शून्य हमको पता करनी है, तो an बराबर शून्य यानी कि हम सभी an का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 0। अब देखिए a का वैल्यू क्या है 21, हमने लिख दिया 21, n n तो पता ही करना है माइनस 1 इंटू डी, डी क्या होगा 18 में से घटाएंगे 21 तो कितना होगा माइनस का 3 बराबर हो गया कितना 0। अब देखिए 21 अब प्लस यहां पे आप गुणा करेंगे तो
कितना हो जाएगा माइनस तीन में एन से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस थ्री एन, ठीक है। आप प्लस यहां पे क्या हो जाएगा थ्री में माइनस वन से गुणा करेंगे माइनस थ्री में क्या हो जाएगा प्लस का थ्री बराबर कितना हो जाएगा जीरो। अब देखिए इक्कीस और तीन कितना होता है चौबीस, चौबीस और माइनस थ्री एन बराबर जीरो। अब देखिए इसको पश्चादित कीजिए तो चौबीस बराबर हो जाएगा थ्री एन यानी कि एन बराबर हो जाएगा कितना आठ, थ्री का चौबीस आठ, आंसर क्या हो जाएगा आठवां पद आपका, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर दिया गया है, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल आपका सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा एकदम। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे काफी लाजवाब क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्न में कौन होगा। यहाँ पे आपको मूल बताना है यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे आपको बता देना है, वहां पे x का वैल्यू दिया गया था लेकिन यहाँ पे आपको x का वैल्यू बताना है। बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ते हैं, 2x² + 5x - 12 = क्या दिया गया है जीरो। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इस ये तीसरा पद में दूसरा पहला पद से गुणा करते हैं और इस तरीके से उस जो मान आता है उसको इस तरीके से तोड़ा जाता है ताकि वो बीच के बराबर जाए। तो 12 में इसको गुणा करेंगे कितना होगा 12 × 24 - 24x² तो 24 को हम तोड़ेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x² + 2x² हमने देखिए, अब देखिए अगर यहां से हम लोग 8x लिख लेते हैं और यहां से 3x लिख लेते हैं तो 8 × 24 - 24x² आ गया और 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा माइनस बराबर क्या हो गया जीरो। अब कॉमन ले लेंगे, देखिए यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से 2x कॉमन यदि हम लेते हैं तो क्या बचेगा x + 4 बचेगा ना, माइनस यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बचेगा क्या चीज x + 4, ठीक है बराबर हो जाएगा जीरो। अब देखिए x अब यहां पे ये 2 कॉमन ली थी 2, अब ये देखिए यहां से एक होगा 2x - 3 और एक बचा x + 4, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग यहां हो गया जीरो, जब हम लोग x + 4 = 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 आएगा यानी कि यहां पे ऑप्शन में क्या दिया है माइनस का 4, अब माइनस का 4 क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अगर दूसरा मान देता तो ये 3/2 आंसर आता, ठीक है, लेकिन माइनस 4 दिया है इसलिए माइनस 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बहुपद p(x) = x²-2x+5 के शून्य अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a का मान बताना है। तो देखिए माइनस बी यानी कि यहाँ पे -2 दिया गया है तो -2 पहले से है यानी कि प्लस में 2 हो जाएगा, अब बटे a का मान क्या है 1 यानी कि 2/a कितना होगा 2, ठीक है। आपका आंसर निकल गया 2। देखिए कहां पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल ही राइट जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि साइन 19 माइनस जो थीटा होता है, 19 माइनस ए जो होता है किसके बराबर होता है, तो हम सभी जानते हैं साइन 19 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, या साइन 19 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, तब कॉस ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस ए कहां पे है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा ये आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी के बराबर है, तो सेक ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो जानते हैं 1/ होता है कॉस ए, किसके बराबर होता है यानी कि sec a का व्युत्क्रम होता है 1/ cos a, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज a नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब, ओके। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लेकिन क्लास होने खत्म होने के बाद इंस्टॉल कीजिएगा। आप पढ़िए बढ़िया बढ़िया से, पहले पढ़िए, गूगल पे जाइए, गूगल पे भी सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, मेरे नाम से बहुत सारा चीज बना हुआ है, अलग अलग कोई दूसरा कोई बना लिया है, लेकिन आपको ऑफिशियल जगह जाना है, ऑफिशियल जगह कहां जाना है ऑफिशियल जगह बिल्कुल। तो कह रहा अगला क्वेश्चन कि कोसेक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि कोसेक 44 °/sec 46 °= क्या होगा, ऐसे में आपको बता दें कि इसका आंसर एक आएगा, अगर इसका अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता तो आप एक पे टिक कर दीजिए, लेकिन क्यों कीजिएगा पहले समझिए, ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, तो कोसेक 90 - थीटा यहां इसको चेंज करेंगे, कोसेक इसको सेक थीटा में चेंज करेंगे, कोस यहां हो जाएगा 19 - 46 °, क्योंकि देखिए कोसेक अगर हम लोग 90 में से 46 घटाएंगे कितना होगा 44 हो जाएगा ना, 90 में से अगर हम लोग जो है 46 को घटा देते हैं तो कितना आएगा 44 हो जाएगा, बट सेक यहां पे क्या दिया गया 46 °। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि कोसेक 19 - थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे सेक 46 °, और नीचे भी है सेक 46 °, अब दोनों तो कट जाएगा ना, तब बचेगा क्या चीज एक, आपका आंसर क्या हो जाएगा एक, बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना,
बिल्कुल यार काहे नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नवा प्रश्न की। अगला नवा प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला नवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है, काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि 2 cos² 60° का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। 2 cos² 60° तो यहां देखिए 2 का 2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो कहेंगे सर आपने बताया था कि 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 होता है। अब कह रहा है इसका cos स्क्वायर 60 यानी कि स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो कर दिया हमने स्क्वायर। अब 2 × 1/1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कटाइए 2 से कटेगा 4 का तो हो गया 2 यानी कि 1/2। 1/2 कहां पे है, कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में। क्या पे है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हम सभी का क्या कह रहा है, अगला नंबर देखिए ये, देखिए ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20° प्लस साइन स्क्वायर 70° का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी आपका वैल्यू 1 ही होगा यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। लेकिन कैसे होगा अगर इसको भी आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए आपको क्या कीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, तो साइन 19 − 70° बराबर प्लस साइन यहाँ पे साइन स्क्वायर 70° ठीक है। चलिए क्योंकि 90 में से 70 घटाएंगे तो 20° आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर साइन 90 में थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा आप कॉस स्क्वायर 20° और ये होता आपका साइन स्क्वायर 20° ठीक है 20°। अब हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, आपस ये बराबर 1 होती है, तो आपका इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए हर चीज आपको बता देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। ये देखिए कह रहा है कि tan थीटा इंटू का cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, एकदम धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में जहां कोण भी समकोण है, यानी कि ये आपका त्रिभुज है, ये इस तरीके से त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया यार। चलिए कह रहे कि ये आपका समकोण है, समकोण का मतलब होता है कि 90° है। यदि AB बराबर B है, AB बराबर 12 है तो हमने 12 लिख दिया, BC बराबर 5 है तो हमने 5 भी लिख दिया। कह रहे कि AC का वैल्यू आपको याद करना है, तो हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज, AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग, हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 बराबर हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। ओके अब देखिए 144 और 25 कितना होता है 169, 169 बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट का 169 और रूट से बाहर करेंगे हो जाएगा 13 यानी कि इसका वैल्यू निकल गया 13। हमसे AC ही पूछ रहा था, AC का वैल्यू निकल गया 13, तो 13 को हम लोग कर देंगे फटाफट से डी। कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट जवाब। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम गर्दा मचाना है आपके अंदर, कून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उथल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए, कॉल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए जैसे भी करना वैसे बताइए, लेकिन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा 5 sin A बराबर 8 cos A तो cot A का वैल्यू क्या होगा। देखिए 5 sin A बराबर cos A यानी कि 8 cos A, तो sin A यहां पे cos A बट्टा sin A क्या हो जाएगा, cos A बट्टा sin क्या होगा 5/8 ठीक है, क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। अब cos A बट्टे sin क्या होता है, तो cot A ही होता है, तो cot A क्या हो जाएगा 5/8 यानी 5/8 कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका है डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ऑप्शन कई बच्चे ए नंबर लगाएंगे, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ध्यान से, हमने जब देखिए यहां पे अक्सर गलती करते हैं और गलती बता देते, गलती आप कैसे करते हैं, देखिए यहां पे कह रहा था कि 5 sin A बराबर, ये देख लीजिए बड़ा ही जरूरी चीज है, cos A। अब बच्चे क्या करते हैं 5/8 लिख देते हैं, अब बराबर लिख देते हैं sin A अब बटा cos A। अब देखिए जब इसको आप तिर्यक गुणा कीजिएगा तब 5 में अगर आप cos से गुणा कीजिए तब 5 cos A हो जाएगा, तो 5 cos A नहीं है ना बिल्कुल, तो इसको आप पलटिए ठीक है, या फिर आप इसको पलटिए, या तो आप इसको पलटिए या तो फिर इसको पलटिए, दोनों पलटिए ठीक है, यानी कि cos A ऊपर रखिए sin A आप नीचे रखिए और तब बनाइए ठीक है, तब आपका आंसर आएगा ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला, ये देखिए ये तो मान ही बता दे रहा है यार कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, cot 60 का, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/√3 होता है,
कितना होता है 1 बटा रूट का 3 होता है, और ये किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर होता है। ठीक है, tan 30 का वैल्यू भी 1 बटा रूट 3 होता है, cos 60 का वैल्यू भी 1 बटा रूट 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य का उदयन कोण 60 डिग्री है तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक सूर्य का उदयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम त्रिभुज के माध्यम से समझा देते हैं आपको। ये आपका ए, ये आपका बी, आपका सी, 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री हो गया, उदयन कोण है 60 डिग्री। चलिए उदयन कोण 60 डिग्री कर लिया। कह रहा है एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि ये 6 मीटर है, जिसकी छाया की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग चलेंगे tan 60 डिग्री से। तो tan 60 बराबर क्या होता है, यानी कि tan बराबर क्या होता है, AB बटा होता है BC। ठीक है, अब BC की जगह x मान लेते हैं। चलिए तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे सर रूट 3 होता है, तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, AB, AB क्या बन कितना है 6, अब बटे x। अब क्या, अब 3 का गुणा करेंगे ना, रूट 3 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट का 3x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे रूट का 3। अब ये नीचे जो है रूट में नहीं रहता है, इसको परिमेयकरण कर देंगे तो नीचे ऊपर दोनों इसी संख्या से गुणा कर देंगे, रूट 3 गुणे रूट 3। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 6 रूट 3, और नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। अब 3 दूनी 6, यानी कि बच गया, आंसर क्या गया 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अगर सब्जेक्टिव में भी आता है तो सब्जेक्टिव में आपको बना देना है, नहीं आता तो आपको यह बना देना। आइए देखिए, ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, और ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है, काफी इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अक्सर जो है आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाने की इस साल बहुत ज्यादा संभावना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। कह क्या रहा है क्वेश्चन, और काफी लोग इसको नहीं बता पाते, क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए इसकी त्रिज्या बताना है। अब देखिए ध्यान से, हम सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो ये आपका परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस टू आर। क्या होता है, पाई आर प्लस टू आर। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में बनेगा इसलिए ऊपर लिखते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं पाई आर प्लस टू आर, टू आर बराबर हम लोग का होता है अर्धवृत्त का परिमाप, बराबर 36 दिया गया है, यानी कि पाई यहां से हम लोग आर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस टू बराबर हो जाएगा 36। अब देखिए आर को हम लोग कॉमन रहने दीजिए। अब देखिए पाई के बदले हम लोग रखेंगे मान, तो 22 बटे हो जाएगा 7, अब प्लस 2 बराबर हो गया 36। इसके नीचे कुछ नहीं था, मन रख देते हैं। अब इसका हम लोग जोड़ बनाएंगे, तो एलसीएम करेंगे सबसे पहले, भिन्न का जोड़ कीजिए, 7 और 1 का एलसीएम करेंगे हो जाएगा 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा हो जाएगा 22, और 7 1 जो होगा 7 पर मिल जाएगा 7, 7 दूनी हो जाएगा 14 बराबर कितना हो गया 36। ठीक है, अब देखिए आर बराबर क्या होगा, 14 और 22 कितना होता है 4, 2, 6 और 3 और 2 1 3, यानी कि 36 बटा 7 कितना हो गया 36, यानी कि R इंटू 36/7 बराबर 36। अब R बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 36/7 फिर, यानी कि 36 में अब ये जो गुणा में ये भाग में है, भाग में बदल जाएगा। अब देखिए अब ये जो भाग में हो गया, अब ये फिर गुणा में बदलेगा, क्योंकि अब देखिए इसके नीचे इस 36 के नीचे ये 36/7 गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/1 × 7/36। अब ये 36 से 36 कट जाएगा, यानी R is equal to कितना हो जाएगा 7। अब ये निकला R is equal to 7, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कितना 7। ठीक है, एक बार इसे और भी आप वीडियो देख लीजिएगा, पीछे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ये अक्सर काफी लोग नहीं बता पाते हैं इसको, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और कई सालों से ये इंपॉर्टेंट में रह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो इसकी व्यास क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 154, यानी कि 154। अब 154 दिया गया है तो यहां से क्या करना है आपको, व्यास निकालना है, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे तभी तो व्यास निकलेगा ना। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 154 बटे पाई होगा। अब हम लोग पाई का वैल्यू रख देंगे यहां पे, देखिए तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 154/22/7। ठीक है, आप देखिए अभी ये भाग में गुणा बदलेगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154/1 × 7/22। ठीक है, 7/22 हो गया। अब देखिए ये 22 से कटाएंगे 154 को, तो 7 बार में ही जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया 7×7=49। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू 49 हो गया। अब आर बराबर कितना हो जाएगा 7,
7 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछा क्या गया है, व्यास, व्यास मतलब डी, तो डी क्या होता है, त्रिज्या की दुगुनी, यानी कि 2 में गुणा कर दीजिए 7 से, तो 7 दुनी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर आपका कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 14। 14 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए अब आगे देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए फटाफट से जल्दी से, मौका है अभी, मौका को गंवाइए मत। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है। क्या होता है, 2πR और h होता है। पहले देख लेते हैं कि यह मान पाई में तो नहीं दिया गया, नहीं पाई में नहीं दिया गया, चलिए 2πR और h दिया गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पाई में ही मान दे देता है, तो पाई को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 2 गुणे पाई, पाई का मान कितना 22/7 होता है, 22/7 रख दिए, इनटू आर, आर का वैल्यू कितना है, ये देखिए व्यास दिया है 28 यानी डी दिया है 28, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 28/2, 28/2 हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा कितना 14, तो लिख देते हैं यहाँ पे 14 इनटू एच, एच का वैल्यू कितना है 20, रख दिया हमने 20। अब देखिए 7 × 2 = 14 हो गया ना। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 22 × 2 = 44 इंटू 20 × 20 कितना 40, यानी कि 40 में 44 से गुणा कर दीजिए, तो इसको गुणा करेंगे तो 4 × 16 और 4 × 16 17 176 10 यानी कि 1760 कितना हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिल्कुल बाबू अगला ना प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का क्या होता है, 3πr² होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए आंसर पाई में दिया है, पाई को सॉल्व नहीं करना है, यानी कि 3π × r², यानी कि 7 × 7, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 3π × हो जाएगा 49, इसको गुणा कीजिए तो 9 × 3 = 27 का 7 और 7 × 3 = 21 12 दो कितना होता है 14 जी, बिल्कुल 14, 147 पाई क्या हो जाएगा, 147 पाई का ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी में, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसको क्या करना है वर्ग कर दीजिएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, यानी कि 4 × 9 आंसर कहां है, ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी में है, तब का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यदि किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण की माप अगर थीटा हो और त्रिज्या आर हो, तो चाप की लंबाई क्या होगा, चाप का लंबाई होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 × 2πr, क्या होता है θ/360 × 2πr होती है, तो देखिए कहां पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पे ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए में कि 2πr θ/360, ठीक है, बात वही है कि 2πr θ/360, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए यहां पे कह रहा है क्वेश्चन कि 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बताना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले या तो आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाया जाता है, यानी कि या तो आप बढ़ते क्रम में उसे सजा लीजिए या तो आप उसे घटते क्रम में सजा लीजिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। अब इसको क्या करना, देखिए कि ये कौन सी संख्या, मतलब कितना है ये, 1, 2, 3, 4, 5 है विषम संख्या, तो कुछ नहीं करना, इसका आधा कर देना, यानी कि इधर से और इधर से, यानी कि बीच वाला मान देखना है, तो इधर से 2 को गोला लगा दी, इधर से 2 गोला लगा दी, बीच में क्या बचा 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। या बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं, n+1/2 होता है, ठीक है, 2 ये आपका फॉर्मूला होता है, n का वैल्यू कितना है 5, 5+1/2 कितना हो जाएगा 6, 6/2 यानी क्या हो जाएगा तीसरा पद, तीनवा पद, तो तीनवा पद क्या है 4 ही है, आंसर क्या हो जाएगा 4, या उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जो तरीका आपका अच्छा लगे वो तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे में अगर आप विषम संख्या आएगा तो आपको क्या करना है, दोनों को माने बीच वाला मान बता देना, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सी घटना की परियोजता नहीं हो सकती है, तो देखिए घटना की परियोजता नहीं हो सकती है, तो एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी परियोजता की घटना, मतलब कोई भी परियोजता क्या होती है, 0 और 1 के बीच होती है, ना 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा, तो 0 से कम और 1 से ज्यादा के
तो देख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एक से ज्यादा है, यानी कि अपर्याप्तता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किए कंजूसी काय करते हैं बाबू। मां सरस्वती आपके पास साथ है, आपको एकदम इस साल गर्दा मचाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी मान या अधिकतम मान और न्यूनतम मान का योग बट्टा 2, ठीक है, यानी कि 10 + 20 / 2 कितना होगा 30, 30 / 2 कटाएंगे कितना होगा 15। आंसर क्या हो जाएगा 15, 15 कहां पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है डी नंबर में, डी क्या होगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, तो तोरण से, क्या है तोरण से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा इससे आपको ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए, ये रहा हूं चाश्मा प्रश्न, हम लोग 50 क्वेश्चन पर को करके रहने देंगे क्योंकि समय काफी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए सारी चीजें समझाए हैं तो अब इतना समय लगा है, आपको भी 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है परीक्षा में, तो किन्हीं 50 क्वेश्चन को जो अच्छा अच्छा होगा जो आसान होगा उसको टिक कर देना, ठीक है। आपको तो वहां समझाना नहीं है इसलिए आपको समय काफी कम बचेगा, इतने जबरदस्त तरीके से बताते हैं जिससे कि आप परीक्षा में जाएंगे फटाफट से आप सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल गर्दा मचेगा इस साल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, तो एक पासा पर कितना अंक अंकित रहता है, तो 6 रहता है, यानी कि कुल संख्या कितनी होती है उस पर, 6 होती है, कितना बार 5 आता है, तो 1 बार आता है, 1 बार आता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका 1/6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/6 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो लाल रंग के रानी होने की यानी कि क्वीन 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 यानी कि रानी रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग की रानी लाल रंग की रानी नहीं लाल रंग की रानी, ठीक है, लाल रंग का जो पत्ता होता है वो वाला, तो देखिए लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता यानी कि लाल रंग के होने की जो कांड होती है उसमें जो वो होता है 2, तो 2 कुल पत्ता होता है 52, ठीक है, तो 2/52 तो 2/52 क्या हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 26, ठीक है, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/26 कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से पूरे 50 क्वेश्चन आपने देखा, काफी लाजवाब क्वेश्चन, सीधा आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आया है एक बार में याद नहीं हुआ है तो एक बार और देख लीजिए और लाजवाब तरीके से तैयारी कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगी। तो फिर मिलती इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।